भारतीय बैंकों का करीब 9000 करोड़ रुपए गमन करने वाले शराब व्यापारी विजय माल्या की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने विजय माल्या से देश विदेश में जमा की गई सभी संपत्ति की जानकारी मांगी है। सुप्रीम कोर्ट ने माल्या से बताने को कहा कि डियागियो से मिले 4 करोड़ डॉलर का उन्होंने क्या किया। इससे पहले कर्नाटक उच्च न्यायालय ने विवादों में घिरे शराब कारोबारी विजय माल्या को 24 नवंबर को उसके सामने पेश होने का समन भी जारी किया है। कोर्ट ने इस मामले में टिप्पणी करते हुए कहा कि पहली नजर में लग रहा है कि आपने कोर्ट के आदेश के मुताबिक अपनी संपत्ति का सही ब्यौरा नहीं दिया है, लिहाजा 4 हफ्तों के भीतर हलफनामा दायर कर अदालत को अपनी संपत्ति का सही ब्यौरा सौंपे। अदालत ने समन विजय माल्या और उसकी कंपनी द्वारा दिए गए हलफनामे का कथित पालन नहीं करने पर जारी किया है। हालांकि कई बार अलग अलग अदालतों के नोटिस और समन के बावजूद विजय माल्या एक बार भी अदालत में हाजिर नहीं हुए हैं। NMF न्यूज की रिपोर्ट।